गुरु नानक ट्रांसपोर्ट क्लब बरघाट और प्रगति क्लब सिवनी के मध्य कुछ ही क्षणों में ये मैं और बहुत शानदार सर्विस और पहला पॉइंट रेडर से कैचर आउट और इसी के साथ शुरुआत से ही कॉर्नर से दबाते हुए सेंटर से पॉइंट निकालने में सफल गुरु नानक ट्रांसपोर्ट बरघाट के खिलाड़ी और अब प्रगति क्लब सिवनी की ओर से सर्विस और सर्विस लेकर आते हुए गुरु नानक ट्रांसपोर्ट की ओर से एक नंबर की जर्सी पहने जयंत और बोनस जयंत ने बहुत शानदार बोनस किया कॉर्नर से दबाते हुए एक दबाव बनाया और बोनस करने में सफल और बहुत अच्छी कैचिंग इसी के साथ रेडर आउट कैचर से एक पॉइंट और गुरु नानक ट्रांसपोर्ट बरघाट के लिए बेहतरीन रेडर जयंत बताना चाहूंगा हाल में ही इनका सिलेक्शन संभाग के लिए हुआ है और बढ़िया रेड करते हैं देखना इस खिलाड़ी से आपको एक बेहतरीन कबड्डी का प्रदर्शन देखने मिलेगा दोनों ही टीमें सजी हुई हैं बढ़िया खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों में एक बेहतरीन कबड्डी का मैच होगा ये और जयंत राइट कॉर्नर से दबाते हुए सेंटर से पॉइंट निकालने का प्रयास करते हैं जैसा ही मौका मिलता है बहुत फुर्ती के साथ अपनी सर्विस को पूरा करते हैं और अब प्रगति क्लब से होने शुरुआती क्षणों में कुछ पिछड़ते हुए और ये रेडर सेफ कैचर आउट बहुत बढ़िया पॉइंट बहुत शानदार तरीके से एक पॉइंट निकालने में सफल रहे बहुत अच्छा मैच होने की संभावना दोनों ही टीमें एक दूसरे को अच्छे तरीके से पहचानती हुई दोनों ही टीमों में चयनित स्कूल कॉलेज के खिलाड़ी जो कि कबड्डी की बारीकियों को समझते हैं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देने का पूरा प्रयास और यह बहुत अच्छी कैच रेडर आउट कैचर सेफ बहुत बढ़िया कैच किया और अब थर्ड रेड है डू एंड डाई और प्रयास कर रहे थे परंतु सुरक्षित रूप से खेलते हुए सिवनी के खिलाड़ी और अंतिम में कैच करने में सफल और काफी अच्छी सर्विस करते हैं 13 नंबर के खिलाड़ी लगातार प्रयास करते हुए सेंटर से ही दबाव बनाते हैं कॉर्नर की जगह सेंटर को चुना उन्होंने और एक बार फिर जयंत शुरुआत में ऊपर खेलते हुए क्रॉस लाइन के उसके बाद धीरे धीरे अंदर की ओर आते हैं Yeah.
एक बार फिर सफल रहे। रेडर सेफ कैचर आउट, एक बांट और गुरु नानक ट्रांसपोर्ट क्लब बरघाट के लिए, और फिर एक बार सर्विस लेकर पहुंचे 13 नंबर के खिलाड़ी। और ये अच्छी रेड और इस बार सफल रहे, साथी खिलाड़ियों का सहयोग नहीं मिला। जैन एक बार फिर, जैन बहुत जल्दबाजी नहीं करते, धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ते हैं। और एक बार फिर सफल, कितनी बढ़िया रेड जयंत की। शुरुआत में ऊपर खेलते हुए क्रॉस से फिर धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ाते हुए अंदर की ओर आते हैं और पॉइंट निकालने में सफल रहते हैं। और दूसरी अश्विनी की ओर से 13 नंबर के खिलाड़ी लगातार सर्विस करते हुए बहुत अच्छी रेडिंग, सेंटर पर दबाव बनाकर अपनी टीम के लिए पॉइंट निकालने का प्रयास करते हुए। और फर्स्ट टाइम आउट, और अब सोनू, और बहुत अच्छी कैच हो गया। बस बस बस, और रेडर आउट कैचर से एक पॉइंट प्रगति क्लब के लिए। बहुत ही अच्छा मैच, रोमांचक मैच, लगातार काउंटर अटैक, और जयंत एक बार फिर पिछली सर्विसों में लगातार पॉइंट लाते हुए जयंत अपनी टीम के लिए। फिर प्रयास किया था जयंत ने, परंतु इस बार सफल नहीं। और अब एक बार फिर 13 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी जयंत, और डू एंड डाई रेड है, थर्ड रेड है। और देखना है दोनों एम्पायर सर्वमान्य होगा। दोनों ही सफल रेडर, दोनों ही टीम में शिवनी प्रगति की ओर से 13 नंबर के खिलाड़ी, और गुरु नानक की ओर से जयंत। स्कोर है 6-5, सिर्फ एक पॉइंट का अंतर है दोनों टीम के मध्य। पहले हाफ का खेल चलता हुआ, और फर्स्ट हाफ के आखिरी 5 मिनट से बहुत अच्छा कैच, और इसी के साथ रेडर आउट कैचर से, और अब दोनों ही टीमें बराबरी पर 6-6 बराबर। गुरु नानक छह अंकों पर, वही प्रगत छह अंकों का बेहतरीन मुकाबला हमारे दर्शकों के लिए, गुरु नानक वर्सेस प्रगति। और 13 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी लगातार अपनी टीम के स्कोर में इजाफा करते हुए लगातार पॉइंट आ रहे, बहुत अच्छी सर्विस। स्टार रेडर अपनी टीम की ओर से, और एक बार फिर जैन, Thank you.
देखिए जयंत ने टारगेट चुन लिया था और दो खिलाड़ी आउट हुए, रेडर सेफ कैचर आउट, और एक बार फिर 13 नंबर की जर्सी पहने। जयंत जैसा नाम है वैसा ही काम कर रहे हैं, लगातार पॉइंट ला रहे हैं अपनी टीम के लिए और बहुत अच्छी सर्विस लेकर आते हुए 13 नंबर के खिलाड़ी। और इस बार कैच करने में सफल और रेडर आउट कैचर सेफ। एक बार फिर जयंत और अब 3 पॉइंटों का अंतर, 3 पॉइंटों से आगे है गुरु नानक ट्रांसपोर्ट। पहले हाफ के 5 मिनट का खेल चलता हुआ और जयंत एक बार फिर, और इस बार सफल नहीं हो पाया और पहली बार पकड़े गए जयंत। बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया था इस बार जयंत ने, बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ। दोनों ही टीमें एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानती हैं, एक दूसरे की कमियों को पहचानती हैं और लगातार काउंटर अटैक दोनों ही टीम की ओर से। और इसी के बहुत अच्छा ये शानदार दूसरा कैच, और अब स्कोर हुआ है 8-9। एक पॉइंट से भी बढ़त बनाए हुए गुरु नानक ट्रांसपोर्ट परघाट। पहले हाफ का खेल चलता हुआ दो सफल कैचिंग के साथ, नहीं बोलते हैं तो अपोनेंट को पॉइंट मिल जाएगा। एक बार मैच पुनः प्रारंभ, और एक बार पुनः मैच प्रारंभ होता हुआ। पहला हाफ चल रहा है, वो टाइम आउट था जो एम्पायर्स ने लिया था दोनों ही टीम को कुछ समझाइश देते हुए। बहुत अच्छी कैचिंग और इसी के साथ रेड अराउंड, एक पॉइंट और गुरु नानक के लिए। और अब जयंत वापस मैदान पर, हेलो जयंत, हेलो। और जयंत एक बार फिर थर्ड रेड दो एंड आई। और बहुत अच्छी कैचिंग, अब कमी को पकड़ लिया है जयंत की। वो जानते हैं कि जैसे ही ये रनिंग पर रेस करते हैं वैसे ही उन्हें पकड़ लेते हैं। और अब 13 नंबर के खिलाड़ी बहुत अच्छे रेडर प्रगति क्लब से उन्हीं की ओर से। दोनों ही टीमें बराबर हैं, हमें और बहुत अच्छी कैचिंग। अंतिम समय में पूरी टीम ने एकता का प्रदर्शन दिया, वरना काफी पॉइंट का नुकसान हो सकता था। बहुत ही रोमांचक मुकाबला, काउंटर अटैक लगातार दोनों ही टीम द्वारा एक दूसरे के ऊपर। 10 अंकों पर गुरु नानक, वही प्रगति 9 अंकों पर, और फर्स्ट हाफ और स्कोर है 10-9 प्रगति क्लब की ओर से। रेड एक अंक है और
तीन प्रयास देखना है एम्पायर का निर्णय। दो पॉइंट टू प्लस वन टोटल तीन पॉइंट का इजाफा किया है इस रैंक के साथ। और ये पहला अवसर है जिसमें प्रगति क्लब को ये कहीं ना कहीं कोई नई रणनीति दोबारा और आप इस मैच में पहली बार प्रगति क्लब से उन्हें लीड करते हुए सेफ खेल खेलते हुए खिलाड़ी और लगभग निकलने का प्रयास किया परंतु बहुत अच्छी एकता का परिचय दिया और इसी के साथ रडार आउट कैचर सेफ एक पॉइंट की ओर बढ़त तीन कैच बहुत शानदार और सुपर टैकल ऑन है। और एक पॉइंट और अब लगातार बढ़त बनाती हुई प्रगति क्लब से उन्हें स्कोर है 14-10 चार पॉइंटों की बढ़त प्रगति क्लब के लिए। और एक पॉइंट और 15-10 और अब एक ही खिलाड़ी से ऐसे और अब एक एक पॉइंट कॉमन सर इसको ध्यान दे एक एक पॉइंट कॉमन है सुपर टेकल ऑन और बहुत ही बढ़िया पॉइंट बताइए 20 से निकलकर वापस आ गए और एक पॉइंट की ओर बढ़ा प्रगति क्लब के लिए। बहुत अच्छे रेडर है 13 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी लगातार पॉइंट ला रहा है और अपनी टीम को वापस लाया इस मैच में। और इसी के साथ एक पॉइंट और दो लोना प्लस तीन पॉइंट टोटल 19-11 पॉइंटों की बढ़त। टाइम आउट गुरु नानक ट्रांसपोर्ट की ओर से टाइम आउट लिया गया है। स्कोर है 19-11 आठ पॉइंटों की बढ़त प्रगति क्लब से उन्हें शुरुआती हाफ में पिछड़ने के बाद दूसरी हाफ में शानदार वापसी करती हुए पॉइंट है 19-11 आठ पॉइंटों की बढ़त गुरु नानक वो प्रगति क्लब से उन्हीं के लिए। गुरु नानक ट्रांसपोर्ट बरघाट के और कंटिन्यू सर्विस रहती है बहुत तेजी से आए थे अर्धा रहना
अभी भी 9 पॉइंटों की बढ़त। और जयंत, जयंत पर ही निर्भर है अपने टीम की वापसी की उम्मीद है, प्रयास भी कर रहे हैं। और जयंत इस बार सफल 1 पॉइंट लाने में। इक्कीस 13 और खिलाड़ी ध्यान दें, एम्पायर्स बता देंगे जब थर्ड रेड होगी। और जयंत एक बार फिर, जयंत पर ही निर्भर है। टाइम आउट और थर्ड रेड, डू एंड आई। और बहुत अच्छी कैचिंग, कॉर्नर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और सबसे बेस्ट प्लेयर को आउट करने में सफल। और अब जयंत एक बार फिर, देखना है जयंत क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। चौदह 21 और इस बार जयंत को कैच करने में सफल। अंतिम पांच मिनट शेष स्कोर है 22-14 और एक बार फिर पॉइंट लाने में सफल स्कोर हुआ 23-14। आखिरी 5 मिनट का खेल चलता हुआ, यदि गुरु नानक ट्रांसपोर्ट को मैच में वापस लाना है तो कुछ नया करने की आवश्यकता है। और ये देख रहे हैं कितने पॉइंट लेके आए, 2 पॉइंट। क्या यहां से कुछ परिवर्तन हो सकता है मैच में, ये निर्भर करेगा जयंत और उनके साथी खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर। और इसी के साथ रेडर आउट, स्कोर है 23-17। सुपर टोके अलोन, और इसमें यदि खिलाड़ी आउट होता है तो 2 पॉइंट मिलते हैं। और जैन प्रयास करते हुए बहुत अच्छा प्रयास, लगभग 3 मिनट शेष और एक बार फिर टाइम आउट लिया गया। सुपर टिकलॉन, 3 खिलाड़ी 3 मिनट। और एक बार फिर पॉइंट लाने में सफल रहे जयंत।
23-18 सिर्फ 5 पॉइंटों का अंतर है। आखिरी के 3 मिनट का खेल चलता हुआ बहुत करीबी मुकाबला और अब 19-23 और अब स्कोर है टाइम आउट हो चुका है 22-23 डेढ़ मिनट का टाइम बाकी है और एक पॉइंट से पीछे है गुरु नानक ट्रांसपोर्ट। देने वाला खेल बेहतरीन मुकाबला बेहतरीन कबड्डी बरघट की सरजमी पर कबड्डी का यह महामुकाबला प्रगति क्लब वर्सेस गुरु नानक 22-23 एक अंक का अंतर दोनों ही टीमें सितारों से सजी हुई और देखना है 90 सेकंड के खेल में क्या उलटफेर होता है। और जयंत क्या अपने टीम को बराबरी पर ला पाएंगे देखना होगा इस रेड पर। स्कोर है 22-23 और ये बहुत महत्वपूर्ण सर्विस होगी। थर्ड रेड डू एंड डाई बहुत निर्णायक रेड दर्शक भी जानते हैं इसका महत्व। निर्णायक रेड होगी ये इस मुकाबले की और इसी के साथ ये बराबरी बराबर दोनों ही टीमें और इसी के साथ समय समाप्त दोनों टीमें बराबरी पर